हेलो एवरीवन, प्यार भरी सुबह के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम और प्यार भरा आशीर्वाद। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैंने कर ली है ब्लॉग की शुरुआत। तो गाइज, हम बना रहे हैं खाना दिन का। सुबह का मैं दिखा नहीं पाई उसके लिए सॉरी, लेकिन मैंने उसी में ऐड कर दिया दिन का खाना। तो दिन के खाने में इनकी मतलब जो दीदी की एनिवर्सरी थी उसका जो खाने का था वो ड्यू था, मतलब पेंडिंग था, तो उसी में ही बना रही हैं, सस्ता ही बना रही है उसे। मैं दिखा रही हूँ आपको क्या बना रहे हैं। ये बना रखे हैं हमने आलू के गुटके, और ये है हमारी दाल, और ये है चावल, और बनाएंगे हम पूरी अभी इसके साथ। बस हो गया ना, बस हो गया, इतना ही बना रहे हैं। और पहले मैं लगा रही हूँ सोम के लिए खाना। वो मतलब सिंपल खाना खाना पसंद करता है, दाल चावल ही ज़्यादा खाता है, तो मैं उसके लिए लगा रही थी पहले। डाल दी हमने दाल भी, नीचे बैठ तू। ये ले, मिक्स कौन करेगा? है मिक्स कौन करेगा? खुद ही कर ले मिक्स। मेरे को नहीं आता। अरे कर ले यार, ले मम्मी। करता तो तू है ऐसे। ला ला, मैं कर दूंगी ला। बोला था आदमी आते हैं। गिराना मत नीचे, ठीक है? कुछ होगा तो बता देना, कुछ होगा तो बता देना। ए, ये मेल रह गया, ये वहां सफेदी रह गया। वो मैंने जानबूझ के छोड़ा है। क्यों? दाल कम होगी ना, फिर और ला दूंगी अभी। पहले ये वाला खा ले, ठीक है? और यहाँ पे जो है बहुत सारा कूड़ा नीचे फेंका हुआ है बच्चों ने, तो इसे दीदी जो है साफ़ कर रही है, क्योंकि डस्टबिन पूरा भर चुका है, तो ये बिखरा हुआ था, इसे पॉलीथिन में सही करना है। और मुझे करना है पहले डाइनिंग टेबल साफ, क्योंकि अभी जब हम खाना खाने के लिए बैठेंगे तो यहाँ पे साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हम इसे साफ़ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये पूरा गंदा ही मतलब ऐसे ही हो जाता है इसमें, तो इसे पहले साफ़ कर लेते हैं फटाफट। तो ये पूरा डाइनिंग टेबल अभी साफ़ कर दिया है, लेकिन जस्ट अभी जैसे साफ़ किया, थोड़ी देर बाद इसको ऐसा ही होना है फिर से। और यहाँ पे दीदी धो रही है बर्तन, क्योंकि बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं। और यहाँ पे रख दी हमने पूरी बनाने के लिए कढ़ाई, और अब बनाते हैं फटाफट पूरियाँ। तो यहाँ पे बेल दिए इतनी पूरियाँ, और यहाँ पे दीदी इनको मतलब तल रही हैं। तो पूरियाँ जो है हम एक जना बेलते हैं और एक जना तलता है, क्योंकि पूरियाँ जब भी बनाते हैं तो उसके साथ दो जने चाहिए, एक बेलने वाला और एक तलने वाला, जिससे जल्दी हो जाती है, फटाफट हो जाती है। अगर एक ही तलेगा भी और बेलेगा तो उसमें बहुत काफ़ी टाइम लगता है, और पैर जो है बहुत थक जाते हैं। तो हम दोनों ने कर दिया है पूरियाँ तलना और बेलना स्टार्ट। तो सारा काम निपट चुका है, हमने दिन का खाना सबको खिला दिया है, और साथ ही साथ बर्तन वर्तन भी हमारे धुल चुके हैं। वो सब मैं आपको दिखा नहीं पाई, क्योंकि बहुत स्पीड में करना पड़ता है, सब लोग को इकट्ठा खाना खिलाना पड़ता है, तो वो सब दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कैसा आज का जो ब्लॉग है वो यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले कैसा लगा देवरानी जेठानी का ये हंसी मजाक के साथ काम करना, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और
हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फिर मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल ऑफ यू, बाय बाय।